नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। 5,000 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हर तरफ लाशें बिखरी हैं। रूस ने यूक्रेनी शहर की ऐसी हालत कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 34वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों को रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। इसी बीच यूक्रेन का मारियोपोल शहर, जहां रूस ने धमाकों से इसे कब्रगाह बना दिया है। रूस ने यहां ऐसी तबाही मचाई है कि जिसे देखकर रूह कांप जाए। पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। बची है तो सिर्फ लाशें। दर्दनाक दास्तां यह है कि लाखों लोगों के घर उजड़ गए, बेघर हो गए। तबाही का ऐसा मंजर यूक्रेन ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा। युद्ध के चलते यूक्रेन जैसा खूबसूरत शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। मारियोपोल के मेयर के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में लगभग 5,000 लोग मारे गए हैं। 90% इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं लगभग 40% इमारतें जमींदोज हो गई हैं। अब ये शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। 34 दिन से जारी युद्ध में यूक्रेन के मारियोपोल शहर के हालात सबसे ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं। रूसी हमलों ने मारियोपोल को भयानक रूप दिया है। घरों से लेकर अस्पताल और स्कूल कुछ भी नहीं छोड़ा है। रूसी मिसाइलों ने यहां पूरी तरह से तबाही मचाई है। हालात ऐसे हैं कि मरे हुए लोगों को पार्कों और स्कूलों में दफन किया जा रहा है, क्योंकि कब्रिस्तान तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। मारियोपोल शहर में किस्मत से जो लोग बच गए हैं, धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। उन्हें भी ये डर पल पल सता रहा है कि कब कौन सा बम उनकी जिंदगी छीन लेगा। रूसी विमानों ने इस शहर पर इतने एयर स्ट्राइक किए हैं कि फिजाओं में गंध और घरों में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ये रूस की क्रूरता है, जो धीरे धीरे समय बीतने के साथ बढ़ती ही जा रही है। रूस ने जंग में सब जायज है वाली कहावत को साबित कर दिया है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता तुर्की में आज होने की संभावना है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य युद्ध विराम होगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। बीते साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। मंगलवार को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के गवाहों और परिवारों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी प्रयास किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार ने ये भी बताया कि आशीष मिश्रा की जमानत का उनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरा विरोध किया गया था। योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा में गवाह पर हमला करने के आरोप से भी इनकार किया। सरकार ने कहा कि होली पर रंग फेंकने को लेकर निजी विवाद को लेकर गवाह पर हमला हुआ था। यूपी सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया कि हमलावरों ने धमकी दी थी। अब जब बीजेपी यूपी चुनाव जीत गई है तो वो उसका ध्यान रखेंगे। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सभी गवाहों की सुरक्षा की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाती है और उनसे नियमित रूप से संपर्क किया जाता है। घटना में पीड़िता के परिवारों को धमकी और गवाहों को परेशान करने की बातों पर यूपी सरकार ने ये जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के जवाब में कहा कि राज्य ने मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध न करने की बात पूरी तरह से गलत है। पुलिस के वकील की तरफ से आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया था। मृतक किसानों के परिजनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर आशीष मिश्रा की बेल का विरोध किया गया। इस पर अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने ये बात कही है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से लौट रहे किसानों पर कार चढ़ाए जाने की घटना में कई लोगों की जान चली गई थी। 3 अक्टूबर 2021 की इस घटना में आशीष मिश्रा किसानों को कार से कुचलने के आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। आशीष गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे हैं। वहीं इस मामले पर CJ NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की स्पेशल बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी।
दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें पीड़ित के परिवार वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द क्यों ना की जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती ही रहती है। वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स चुनाव से पहले खूब देखे गए थे। ऐसे में भला मंत्रिमंडल का गठन और उसमें मंत्रालयों का बंटवारा कैसे अछूता रह सकता था। लिहाजा चुनाव में अपना लोहा मनवा चुके बीजेपी के चतुर चिंतकों और थिंक टैंक्स ने अपना वैज्ञानिक दिमाग इधर भी खूब चलाया और इसमें बीजेपी का जो नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिला उसमें मंत्रालयों का बंटवारा सीनियर जूनियर या उम्र वाले फैक्टर को देखकर नहीं किया गया, क्योंकि मंत्रालयों के बंटवारे के बाद यूपी कैबिनेट का जो सूरत हाल दिख रहा है उसमें बड़े मंत्रालयों का जिम्मा राजनीति में दशकों गुजार चुके वरिष्ठों की बजाय नए चेहरों को दिया गया है। ये नए चेहरे भी ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक करियर में मंत्री ही पहली बार बनाए गए हैं। यहाँ सीएम योगी जो खुद 34 अलग अलग विभागों का जिम्मा संभालने जा रहे हैं, उनकी कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनाए गए बृजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। माना जा रहा है कि पार्टी के इस कद्दावर ब्राह्मण चेहरे को महत्वपूर्ण पद और बड़ा मंत्रालय देकर प्रदेश में बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश की है। पहली बार मंत्री बने चेहरों पर गौर करें तो इसमें योगेंद्र उपाध्याय के नाम की खूब चर्चा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभालेंगे। बात अगर बेबी रानी मौर्य की करें तो उन्हें भी महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे एक महिला होने के साथ साथ जाटव समाज से भी आती हैं। ऐसे में सियासी पंडितों का मानना है कि बीजेपी प्रदेश में उनके जरिए महिलाओं और प्रदेश के जाटव समाज में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। योगी के दूसरे शासन में सहकारिता विभाग का जिम्मा भी एक फ्रेशर मंत्री को ही दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी पहली बार मंत्री बने जेपीएस राठौर संभालेंगे। कहा जा रहा है कि वे केंद्र में सहकारिता मंत्री अमित शाह के एजेंडे को प्रदेश में लागू करवाएंगे। यूपी में समाज कल्याण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का जिम्मा भी एक ऐसे ही फ्रेशर मंत्री को सौंपा गया है। ये विभाग पूर्व आईपीएस असीम अरुण के पास है। उन्हें पीएम मोदी का नजदीकी बताया जाता है। असीम अरुण भी पहली बार ही मंत्री बनाए गए हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके जरिए बीजेपी ने प्रदेश में दलित समाज की सहानुभूति अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। इसी तरह से परिवहन विभाग की जिम्मेदारी पहली बार स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए दयाशंकर सिंह को सौंपी गई है, जबकि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी पहली बार मंत्री बनाए गए जयवीर सिंह को दी गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दिनेश प्रताप सिंह को उद्यान एवं कृषि विपणन विभाग और चुनाव से ही पहले सपा से आए नितिन अग्रवाल को आबकारी विभाग देकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं विपक्ष और विपक्ष से जुड़े चेहरों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। इसी तरह से पहली बार मंत्री बनाई गई रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा विभाग, कुंवर ब्रजेश सिंह को लोक निर्माण, प्रतिभा शुक्ला को महिला कल्याण, पहली बार मंत्री बनाए गए राकेश राठौर को नगर विकास, सुरेश राही को कारागार और सोमेंद्र तोमर को ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी लोग पहली बार ही मंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में फ्रेशर मंत्रियों या ऐसे चेहरे जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है उसे लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चा है। बीजेपी के इस तरह के एक्सपेरिमेंट को दरअसल कुछ लोग यूपी के जातीय और वर्ग आधारित ताने बाने से जोड़कर देख रहे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी ने दरअसल इसी पर अपनी पकड़ को आगे और मजबूत रखने के लिए उस समाज से आने वाले नए नए चेहरों को मौका देकर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी समाज में सबको एक साथ लेकर बढ़ने के सिद्धांत के साथ ही आगे बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर शहर से नवनिर्वाचित विधायक आजम खान आज विधानसभा में जाकर विधायक पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। दरअसल रामपुर की सीजेएम कोर्ट ने आजम खान को शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा ले जाने की जेल प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि रामपुर लोकसभा सीट से सांसद आजम खान ने पिछले दिनों सांसदी छोड़कर रामपुर सीट से विधायक बने रहने का फैसला लिया था। सीतापुर जेल में 2.5 साल से ज्यादा समय से बंद आजम खान के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा प्रशासन ने पत्र भेजा था, जिस पर आजम खान ने कोई जवाब नहीं दिया। जेल प्रशासन ने सीजेएम रामपुर को इस बाबत अवगत करवा दिया है। कोर्ट से विधानसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति खारिज होने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे और विधायक प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत कर आए सभी 403 नव निर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। सबसे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी विधायक पद की शपथ दिलाई गई। पहले दिन 343 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। इसके बाद ये सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। आजम खान को भी विधायक पद की शपथ लेने के लिए आज विधानसभा आना था, जिसके लिए जेल प्रशासन ने अदालत से अनुमति मांगी थी ताकि वो विधानसभा जाकर शपथ ग्रहण कर सकें, लेकिन कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब आजम खान विधानसभा नहीं जा पाएंगे। गौरतलब है कि आजम खान इससे पहले रामपुर से लोकसभा सांसद थे। उन्होंने हाल ही में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है। आपको बता दें कि वो रामपुर से लोकसभा सांसद थे, हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो रामपुर विधानसभा सीट से उतरे थे। इस सीट से उन्हें फिर से जीत मिली है। आजम खान ने विधानसभा में रहने का फैसला किया, ऐसे में उन्होंने लोकसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रही है। ममता सरकार को हटाने की मांग की जा रही है। इसी बीच पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेश्वर से टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने भाजपा समर्थकों को खुलेआम धमकी दी है। इससे जुड़ा वीडियो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पहले सुनिए टीएमसी विधायक क्या कह रहे हैं। वोट जीते जान हमरा धरनो में बीजेपी वोट देबे वोटे पर आपकी कोथाय थाकबे से अपना निजे ले आज जी वोट जीते ना जान हमरा धरनो आपने हमारे समर्थन করছে আপনি ভালোভাবে থাকুন ব্যবসা করুন বাণিজ্য করুন চাকরি করুন আমরা আপনার সঙ্গে আছি। दरअसल अमित मालवीय ने टीएमसी विधायक के विवादित बयान से जुड़ा वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, टीएमसी के पांडेश्वर आसनसोल विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भाजपा समर्थकों और वोटर्स को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर भाजपा को वोट दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ऐसे अपराधियों को जेल में होना चाहिए, लेकिन सीएम ममता बनर्जी उन्हें बचा रही है। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी का दावा है कि पांडेश्वर से टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती लाउदोहा ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाजपा समर्थकों को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने बीजेपी वोटर्स को वोट देने से मना किया और धमकी दी है कि वोट देने के लिए बाहर निकले तो अंजाम बुरा होगा। दरअसल बंगाल में 12 अप्रैल को एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बाबुल सुप्रियो बालीगंज विधानसभा सीट से उतरे हैं। नतीजों का ऐलान 16 अप्रैल को होगा। उपचुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी बैठक कर रही है। कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन का दौर जारी है। इसी बीच टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के विवादित बयान से हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।